नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। फेसबुक का फ्यूल फॉर इंडिया 2020 इवेंट, जिसके जरिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने दुनिया को संबोधित किया, भारत में डिजिटल प्लेटफॉर्म की प्रगति को लेकर बात की और साथ ही की देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ। कहा कि पीएम मोदी ने संकट में भी संभावनाएं निकाली हैं। इस महामारी के दौरान भारत में 20 करोड़ लोगों को डायरेक्ट कैश दिया गया, गरीब परिवारों को बचाने का कदम उठाया गया। रिलायंस फाउंडेशन ने भोजन वितरण की भी व्यवस्था की। रिलायंस की तरफ से बड़ी तादाद में जरूरतमंदों की मदद की गई। ये सभी कुछ संभव हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म की वजह से। देश अब 2021 की पहली छमाही में वैक्सीन के लिए तैयार है। कोरोना संकट के दौरान जिस तरह से पीएम मोदी ने देश को संभाला है, उसके बारे में बात करते हुए मुकेश अंबानी ने कहा, कोरोना महामारी की भयावहता ने हमें चौंका दिया था, लेकिन संकट की घड़ी में घबराना भारत के डीएनए में नहीं है। कोई संकट हमारे लिए ग्रोथ का नया अवसर है। भारत ने पूरी दृढ़ता और संकल्प के साथ कोविड-19 संकट का सामना किया है। हमारा देश अच्छा कर रहा है और आगे भी अच्छा करता रहेगा। युवाओं के प्रति पीएम मोदी की जिम्मेदारी का बखान करते हुए मुकेश अंबानी कहते हैं कि आमतौर पर इंडस्ट्री सरकार से तेज चलती है, लेकिन डिजिटल इंडिया के साथ सरकार ज्यादा तेज चली। पीएम मोदी का ये कैंपेन युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर है। अगर बात करें पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया कैंपेन की, तो जानकारी के लिए आपको बता दें कि 1 जुलाई 2015 को पीएम मोदी ने इस कैंपेन की शुरुआत की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण इलाकों को हाई स्पीड इंटरनेट नेटवर्क से जोड़कर उन तक जरूरी सेवाएं पहुंचाना। पीएम मोदी के इस कैंपेन के 3 मुख्य घटक दल हैं: डिजिटल आधारभूत ढांचे का निर्माण करना, इलेक्ट्रॉनिक रूप से सेवाओं को जनता तक पहुंचाना और डिजिटल साक्षरता। वहीं इसके सामने जो चुनौतियां हैं, उनमें निजता की सुरक्षा, डेटा सुरक्षा, साइबर कानून, टेलीग्राफ, ई शासन और ई कॉमर्स जैसे क्षेत्र शामिल हैं, जिन पर भारत का नियंत्रण थोड़ा कमजोर है। ऐसे में कई कानूनी विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि बिना साइबर सुरक्षा के ई प्रशासन और डिजिटल इंडिया व्यर्थ है। हालांकि इस पर आपकी क्या राय है? मुकेश अंबानी के पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया कैंपेन को लेकर तारीफ करने को आप कैसे देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।